أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة

ये सूरतें आई हैं इस पूरे पारे का मरकज़ी मजमून भी तोहेद है तो के गागो गुन पहलू हमारे सामने आते हैं और अल्लाह ताला ने जो एड्रेस किया है बंदों को वो तरह तरह से समझाया है आइए इस पारे की एक थीमेटिक स्टडी करते हैं तोहैद की शानदार शहादतें पेश करते हुए अल्लाह तबरक ताली ने पहले तो ये कहा कि तुम्हारे अतराफ़ की जो दुनिया है दीद बीना से उसका मुशाहिदा करो अंधे बहरे बनकर इस दुनिया से न गुज़रो अगर तुम कान खुले रखो आँखें खुली रखो तो देख सकते हो कि तुम्हारे अतराफ़ की दुनिया में हर दिन बल्कि हर आन एक मोजा रनुमा होता है हर पत्ते का उगना हर बेल बूटा हर फूल और हर फल जब पकता है उन सब में तुम्हारे लिए बेशुमारशानियाँ हैं इसी तरह से अल्लाह तबरक माओ के पेटों में बच्चों को जिस तरह से परवरिश करता है जनैन की जिस तरह से परवरिश होती है फीटनेस का जो डेवलपमेंट है उसमें भी तुम्हारे लिए बेशुमारशानियाँ हैं वही है जो पैदा करता है उसके अलावा किसी के पास हयात की कुदरत नहीं है और मैंने बाजू नंबर्स लगाएं पाँच से ज़्यादा मरतबा ये आया है कहीं दो मरतबा कहीं चार मरतबा ये थीम बार बार रिपीट किया गया है कि तुम अपनी खिलकत पर गौर करो तुम अपने क्रिएशन पर ग़ौर करो फिर उसके बाद बताया कि तुम दुनिया में मुआश के लिए दौड़ धूप करते हो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने रास्ते पैदा किए सहराओं में भी रास्ते पैदा किए समंदर में भी रास्ते पैदा किए पहाड़ों में रास्ते पैदा किए वरना पहाड़ तुम्हारे लिए बैरियर बन जाते दो तहजीबें मिल ही नहीं पाती थी इधर के लोग उधर जा ही नहीं पाते थे लेकिन अल्लाह ताला ने पहाड़ों में भी रास्ते पैदा कर दिए कहा कि खुदा की अजमत ऐसी है कि कायनात फट पड़े इसका इम्कान है लेकिन तुम हो कि खुदा तला की अजमत को नहीं पहचानते हो उसने अन अकसाम की नमतें तुम्हारे लिए मुसक्र कर दी मुहिब समंदर को तुम्हारे लिए मुशक्र कर दिया जिसमें कश्तियाँ लेकर तुम रवान दवा होते हो और अल्लाह तबरक ने जोड़ों की शक्ल में अपनी मखलूक़ात को पैदा किया फिर उनके ज़रिए से उनकी नस्लें फैलाने का इंतज़ाम फरमाया और तुम्हारे लिए भी अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए और तुम्हारी नस्लों को पैदा करने का एक बहुत ही लतीफ़ बहुत ही पेचीदा निज़ाम पैदा किया जिसके नतीजे में तामत ता नस्ल इंसानी का सिलसिला जारी रहेगा इंसान को मौजू बनाया गया तोहीद ही है असल सब्जेक्ट लेकिन इंसान को मौजू बनाकर बताया गया इंसान का हाल ये है बड़ा हरी से जब भी दुआ करता है अपने लिए खैर मांगते रहता है और जब उसे तकलीफ़ पहुंचती है तो फिर वह मायूस हो जाता है जब उसकी तकलीफ को अल्लाह तला दूर कर देता है तो कहता है कि ये मेरी अपनी हिकमत की वजह से मेरी अपनी प्लानिंग की वजह से मेरे दलित दर पार हो गए ये इंसानों का रवैया है जब मजबूर होता है तो पुकारता है जब उसकी मजबूरी दूर होती है तो फरामोश कर देता है ये भी दो मरतबा आया है और बताया गया कि तुम दुनिया की नेमतों पर इतराते हो लेकिन हकीक़त वाक़ यह है कि जो कुछ तुम्हें मिला दुनिया का जो रिचेस्ट आदमी हो सकता है आज के ज़माने में आप उसका तस्वुर कर लीजिए उसे जो कुछ मिला अल्लाह ताला के खजाने में जो कुछ है उसमें एक कतरे से भी कम है तुम इस पर नाजा हो तुम इस पर अकड़फों दिखाते हो खुदा की दी हुई नमतों में उसकी नेमतों में से एक कतरे से भी कम है जो तुम्हें मैसर आई है फिर हम इंसानों को नशानियाँ दिखाते रहते हैं

बताया बंदो तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे ये नेक कमल का कोई फायदा अल्लाह ताला को पहुँचने वाला नहीं है आखिरत की बात जब कही जाती है तो कहते हो कि जल्दी लाओ लेकिन मोमिनों का हाल यह है कि आखिरत का नाम सुनकर लरजा तरसा हो जाते हैं घबरा जाते हैं उसकी तैयारी में वो लग जाते हैं लेकिन याद रखो कि हर आन अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार है पलट कर आओ ए बंदो कभी कभी अल्लाह ताला फ़रावानी जब देता है तो उसका एक नतीजा ये होता है कि रिबेलियस एटीट्यूड पैदा हो जाता है कुरान ने इसे तीन मरतबा इस बारे में बयान किया मगरूर इंसान हो जाता है और हम उसे पकड़ते हैं ताकि वो खुदा की तरफ रजू करे। तकलीफ़ें आती हैं मुसीबतें आती हैं परेशानियाँ आती हैं इसलिए कि इंसान सबक सीखे मक्के के लोगों का हाल यह था कि जब लड़की पैदा होने की खबर उन्हें दी जाती तो चेहरा छुपाई फिरते थे सोचते थे कि इस बच्ची को ज़िलत के साथ पालूं या मिट्टी में दफन कर दूं। ये तुम्हारी सखावत कलबी का हाल है तुम अपनी बच्चियों के साथ ये रवैया इख्तियार करते हो कयामत के दिन अल्लाह ताला इन बच्चियों के बिहाफ में खुद केस दायर करेगा जो आगे की सूरतों में आता है ये दुनिया की जिंदगी इसमें लोग मज़े लूटते हैं शैतान उन्हें गुमराह करता है और अल्लाह ताला के जिक्र से जो गाफ़िल होते हैं शैतान उन पर मुसलत हो जाता है फिराउन का जो एरोग उसका भी जिक्र आया क़ुरान के बारे में बताया गया कि ये जो उमुल ख़ुर है मदर ऑफ़ ऑल सिटीज़ यहाँ हमने इसलिए उतारा ताकि यहाँ ट्रेड के लिए भी हज के लिए उम्र के लिए लोग आते हैं तो दावत को फैलने के लिए आसानी हो पूरे अरब में दावत फैल सकती है इसलिए हमने यहाँ के लोगों को मंतखब किया और बताया कि ये तुम्हारे लिए चॉइस है चाहें तो कबूल करो चाहें तो रद्द करो लेकिन अंजाम से वाकिफ़ हो जाना चाहिए यह अरबी कुरान है उमुल किताब से ये किताब आई है इसे मजबूती से थामे रहो अल्लाह ताला की तस्वीर बयान करते रहो और परवरदिगार है जिसने तुम्हें रात दिन ये सब अता की उसके बाद एक बड़ा मज़मून है वह है ख़ाम दीन जिसमें बताया गया शार दीनी मी नू हौी और इलाइक वमा वसैना भी इब्राहिम व मूसा व ईसा अन नकीमद्दीन वला फी कहा कि हमने रसूलों को खासकर पांच रसूलों का नाम लिया जिन्हें उलुल अज़म रसूल कहते हैं सबसे पहले हज़रत नूह का नाम लिया आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके बीच में इब्राहिम मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पांच उलुल अज़म रसूल का नाम लेकर बताया कि सबका मिशन एक था वो ये कि दुनिया में अल्लाह ताला का दीन नाफिज हो दीन कायम हो दीन के मुताबिक दुनिया की जिंदगी की तामीर हो खुदाई रहनुमाई में दुनिया की जिंदगी बसर हो डिवाइन गाइडेंस के मुताबिक सोसाइटी का रिकन्सट्रक्शन हो ये सबसे बड़ा अहम काम है इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बहुत सी तालीमत दी गई रिसालत का मौजू भी बताया गया कि रसूलों को हम भेजते हैं हम ही भेजते हैं ताकि दुनिया में अदल का निज़ाम क़ायम हो सके और वही हम उनकी तरफ भेजते हैं और वही करने का क्या तरीक़ा है हमारा तरीक़ा यह है कि इंसानों से डायरेक्ट नहीं बात करते बल्कि इंसानों से जब बात करते हैं कलाम करते हैं तो या तो पर्दे की ओट से या कोई अपना पैगामबर यानी फरिश्ता उसके ज़रिए से भेजते हैं या और भी मेथड्स हैं जिस पर हम बात करेंगे और आखिर में रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट का भी मौजूद इस पारे के अंदर आया है उसमें ये बताया गया है कि बाज़ लोग क़्यामत के दिन खुदा के हजूर लजाजत करेंगे कहेंगे कि हमने सब कुछ देख लिया क्या अब इस बात का इम्कान है कि हम दुनिया में वापस लौटाए जाएँ ताकि जाकर फिर से अमल साले करके आएँ पिछली ज़िंदगी में हमने गलती कर दी लेकिन अब जब जाएंगे तो बिल्कुल खुदा के होकर रहेंगे लेकिन अल्लाह तबारक कहेगा कि जिंदगी एक मरतबा आजमाइश एक मरतबा अब तुम्हारे लिए दुनिया में लौट कर जाने का कोई मौका नहीं है अल्लाह तबारक वाली तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाते रहता है ये इसलिए है कि ताकि तुम उसकी तरफ रुजू करो और पलटो खुवातिन हजरा अब हम आते हैं आज के की पर यानि अल्लाह तबारक ने वही की वही क्या है रेवलेशन क्या है क्यों है कैसे हैं और इसकी नौीय को समझने से कुरान को समझने में कैसे आसानी होती है इस पर हम आज बात करेंगे हर ज़माने में अल्लाह तबारक रसूलों को भेजा उनके लिए कुरान में चार अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इजतबा है इस्तीफ़ा है और अख्तरा है और तना है अल्लाह तबरक तआला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए चुनने के लिए सेलेक्ट करने के लिए उन्हें अपने काम पर मामूर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये तमाम रसूलों के सिलसिले में हम इससे पहले भी गुफ्तु कर चुके हैं कि इनका मैसेज कॉमन था उम्मुल किताब से जो मास्टर कंप्यूटर है वहाँ से इलाही तालीमत और बुनियादी तालीम हर रसूल के जरिए से हर ज़माने के इंसानों को पहुंचाया गया हाँ ये बात है कि मैंने इससे पहले वाले दरूस में बताया कि कॉन्टम्प्री जो इश्यूज़ होते हैं अपने हालात और ज़माने के लिहाज से इंसानों के लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो भी एड्रेस किया रसूलों ने लेकिन उनकी दावत का बहुत बड़ा हिस्सा वो हमेशा कॉमन रहा है और बताया इंसानों को कि खुदा की तरफ आओ रसूल गाइडेड होते हैं रसूल हिदायत पर होते हैं रसूल रहनुमा होते हैं रास्ता उनके सामने वाजह होता है जब रास्ता वाजे हो तो रास्ते की तरफ रहनुमाई कर सकते रास्ते की तरफ न सिर्फ रहनुमाई करते थे बल्कि उस पर चल कर दिखाते थे रहबरी करते थे तमाम अम्बिया दुनिया में रहबर बनकर आए उसके बाद बताया कि अल्लाह जिनको चुनता है वही के लिए वो अल्लाह की रहमत है पहले पारे में भी ये बहस आई है बनी इसराइल कहते थे कि वही के लिए इस फर्द को अल्लाह ताला ने क्यों मुंतखब किया कहा कि क्या तुम्हारा इख्तियार है कि रहमत किसकी तरफ नाजिल की जाए रहमत किसे दी जाए वही किसकी तरफ भेजी जाए इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है हम हैं जो किसी बंदे को सेलेक्ट करते हैं और उस पर अपनी रहमत का नज़ूल करते हैं यानी वही के लिए यह लफ्ज़ भी आया है वफ़ाइना बसुल पाय दर पर अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा नबियों को भेजा सिर्फ़ बनी इसराइल में कितने रसूल और कितने नबी आए उनकी किताबों को पढ़ने से मालूम होता है जो कुरान में और इस्लामी तलीमात में वो तमाम नबियों के नाम नहीं मिलते लेकिन बिब्लिकल ट्रेडिशन में वो नाम मिलते हैं तो वही के लिए अल्लाह ताला इंसानों ही को मुंतखब करता है यही एक ज़रिया है और इसी के ज़रिए से अल्लाह तआला इंसानों की रहनुमाई का सामान फराहम करता है अब आते ही वही के सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें मोड्स ऑफ वही और उस सिलसिले में कुरान क्या अल्फाज इस्तेमाल करता है कुरान वही के लिए इस्तेमाल करता है नज़ला और अंजला एहतमाम से नाजिल करना और नाजिल करना यानि आसमान से उसने वही की आसमान से उसने रहनुमाई की आसमान से उसने इशारा किया ये कुरान में मिलते हैं और उसके लिए अल्लाह ने बाज़ तरतबा एक एजेंट यानि फरिश्ता उसके थ्रू से अपना पैगाम पहुँचाता है और कहता है नज़ला हो हज़रत जब्राइल के बारे में कहा कि उन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम के दिल पर अल्खा किया और क़दर में कुरान के नज़ूल की शुरुआत हुई इस पर हम काफ़ी बातें जानते हैं तो कुरान ने नज़ला अनजला के अल्फाज इस्तेमाल किए और बाज़ मरतबा अल्लाह ताला नाजिल करता है और बाज़ मरतबा कहा कि हजरत जिब्राइल ने नाजिल किया नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम के कलब अतर पर नेम्स फ़ॉर रेवेशन कहीं तंज़ील है कहीं आयात है कहीं सूरत है कहीं कुरान है कहीं फ़ुरख़ान है कहीं नूर है यानी अल्लाह ताला ने जो चीज नाजिल की है वो क्या है ये चार नाम आए हैं कुरान में युनज़िलु अला हुत यानी जो हमारे पास चीज़ें आई हैं जिसे हम कुरान कहते हैं कभी कुरान उसके लिए लफ्ज आयात इस्तेमाल करता है कभी वाइजा सूरतुन नबिल्ला कुरान हमारे पास जो आया है उसके लिए लफ्ज़ सूरत है हमने सूरत को नाजिल किया इन्ना नहनु नज़ल ना आलैक्ल़ुरान जो हमारे पास आया है उसे कभी कुरान के लफ्स मामूर किया और किताब किताबनआन जिला और हमारे पास अल्लाह ताला की जो वही है महफूज़ शक्ल में उसे कभी किताब के नाम से मौसू किया गया कभी आयत कभी सूरत कभी कुरान कभी किताब इसके अलावा फुर्क़ान और नूर ये छः अलफाज इस्तेमाल किए गए हैं वहीं की वो शक्लें हैं जो हमारे पास महफूज हैं उसके लिए अलग अलग नाम लिए गए हैं वहीं जब हम कहते हैं तो इसका एक लेक्सीगन मीनिंग है इसका एक लगवी मफहूम है डिक्शनरी की मीनिंग है और एक है टर्मिनोलॉजी की मीनिंग इतलाही माना आइए पूछते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स प्रोफ़ेसर सैयद मसूद अहमद साहब से कि वही क्या चीज़ है और आज के तलबा नौजवानों को साइंसी पहलू से कैसे हम उन्हें समझा सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक सवाल है कि क्या वही की साइंसी तौजीह तो मुमकिन है इसके दो जवाब हैं एक जवाब ये है कि इसकी असल माहियत क्या है इसके ताल्लुक़ से तो कभी भी हम लोग जो है जवाब नहीं पाएंगे कुरान पाक में ख़ुद भी एक सवाल आता है कि यलूनकानी रूह नम इल्ला वमाऊती तो इसमें रूह से कुछ लोगों ने वही ली है और ये बात सही भी है लगती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ये एक कमांड है अल्लाह की एक आमर है और तुमको बहुत ही कम इल्म मिला है इंसान को बहुत कम इल्म मिला है यानी वो उसकी हकीकत तक कभी नहीं पहुंचेगा लेकिन एक दूसरी चीज़ है कि उसके करीब उसके मानी समझ सकता है उसको समझने में आसानी हो सकती है उसके दिमाग में आम लोगों के लिहाज से उसको समझना आसान हो सकता है ये बात तो समझ में आती है और इसके लिए साइंस ही एक बेहतर मदमून है जिससे समझने में आसानी हो सकती है हम समझते हैं तो अब इसको हम कैसे समझें ये एक मसला है उसके लिए हम पहले कुरान पे आते हैं कि कुरान वही को किस तरीक़े से लेता है क़ुरान पाक वही को इस अंदाज़ से लेता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सलाम की वालिदा को वही की एक संदूक में रख दो बचपन में शहद की मक्खी को भी वही की ऐसे ही ज़मीन को और आसमान को भी अल्लाह ताला वही करता है और इसके अलावा शयातीन भी आपस में एक दूसरे को इल्का करते हैं और वो भी वही ओहा वही के लफ्ज में आ जाता है इसके माने इसका मतलब वही एक आम टर्म में इस्तेमाल होती है यानी एक लतीफ़ इशारे बहुत ही इस किस्म के इशारे जो कि जिसको आम लोग उनके लिए परेशानी हो समझने में डेलीकेट क्षम के जैसे सिग्नल जो होते हैं उसको कहा जाता है तो इसका मतलब यह है और एक अल्बिया अम्बिया को भी वही भी होती है ये तो सब जानते हैं इसका मतलब यह है कि एक एक ये नबी होती है और एक वही गैर नबी होती है अब एक और बात कहें कि ये समझ में नहीं आती हमारे बात कि कैसे अल्लाह ताला ने रिवील किया होगा तो अल्लाह ताला जिस चाहे जैसा चाहे रिवील कर सकता है जैसा चाहे बात पहुंचा सकता है अब इसको समझने के लिए दो तरीक़े हैं हमारे लिए हम इल्हाम को जानते हैं इंस्पिरेशन जानते हैं इंस्पिरेशन तो हमें हर वक्त होते रहते हैं साइंटिस को भी होते हैं गैर साइंस को भी होते हैं हर वक्त हमारे हमारे अंदर जो है इंस्परेशन होते हैं तो इंस्परेशन तो इंसान को हर वक्त होते रहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब ये ऊपर से एक्सटर्नली कोई और चीज़ है कोई और फोर्स है कोई और एजेंसी है जो हमारे अंदर डालता होता है डाली है उसमें हम अल्लाह ताला समझते हैं उसको गॉड कहते हैं हमारा गॉड से बेहतर कौन हमें इंस्पायर करेगा तो ये एक इंस्परेशन है लेकिन एक वो इंस्परेशन है जो नबियों को होता है वो बहुत बड़ा इंस्प्रेशन होता है उससे बड़ा इंस्पिरेशन कोई और हो नहीं सकता इसको हम समझ नहीं सकते वो इंस्पिरेशन जो होता है उसको समझने के लिए एक मॉडल को शायद लगता है मुझे कि अल्लाह ताला ने बताया हमें वो शहद की मक्खी का मॉडल बता दिया हमें और शहद की मक्खी पर इतनी रिसर्चेज हो रही हैं साइंस में कि आपको ताज्जुब होगा कि वो कैसे जाती है यानी फूलों का नेक्टर लेने के लिए रस लेने के लिए और वापस वहीं आ जाती है और छः छः मील तक जा सकती है वो और पंद्रह मील फी घंटे की रफ्तार पे चल सकती है वो तो वो उसके लिए जब रिसर्चेस की तो मालूम हुआ कि सूरज को कम्पास की शक्ल में इस्तेमाल करती है और उसके बाद जो है उसका ऑप्टिकल फ्लो उसके लिहाज से वो काम करती है और वो वो जो है आपका एक जैसे जीपीएस सिस्टम उसका है उस जीपीएस सिस्टम के लिहाज से काम करती है इस पर बहुत रिसर्चेज़ हो चुकी हैं मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा तो मैं यह कर रहा था कि जब इस पर रिसर्चेज़ की गई तो समझ में आई बात कि एक अजीब निज़ाम है उसके अंदर कुछ फ़ैरोमोन्स होते हैं वो फ़ेरोस को थ्रो थ्रो कुछ कम्यूनिकेट करती है अपने साथियों को भी दूसरों को भी तो फ़ेरोमोन का रोल भी है जी सिस्टम का भी रोल भी है और उसके बाद साथ में वो कम्युनिकेट करती है आपस में भी कम्युनिकेट करती है तो ये यानी उसके स्पेशल न्यूरॉन्स का रोल भी है अब इन तीन चीज़ों को अगर देखें तो हमारे लिए रेवलेशन का समझना बहुत आसान हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा मेरी नज़र में एक एक सब्जेक्ट को अब ले लें तो बात मुकम्मल हो जाएगी क्योंकि रेवलेशन जो है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो जो कि टेलीपैथिक टाइप का है तो टेलीपैथी अब साइंस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि झाड़पूं की चीज़ हो बल्कि वो साइंस का सब्जेक्ट माना जाता है तो मेरी नज़र में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी न्यूरो ब्यालॉजी मालिकुलर और चौथा जो है आपका यानी टेलीपैथिक साइकोलॉजी ये इन चार सब्जेक्ट में रिसर्चेस हम देखें और आगे बढ़ाएं तो हमें और आसान हो जाएगा इसको समझना मेरा तो यकीन है कि अल्लाह रब करीम ने जब हामी मसद में फरमा दिया कि सन आयातना फ़िलाफाक़ी बफीअनफीम हत्न हक़ यानी हम वही इलाही को समझना हमारे लिए आसान होता जाएगा जैसे जैसे नॉलेज एक्सप्लोजन और होगा जैसे जैसे नॉलेज और बढ़ेगी इन शह मुझे उम्मीद है कि बात लोगों के समझ में आ रही होगी और जो इश्काल हैं वो खासे दूर हो चुके होंगे रब्बाना तकबल मनाकन तस्म सुबिन तब्बाही डॉक्टर साहब ने बताया आपको किल्ल तबरक ने आसमान पर वही की शहद की मक्खी पर भी वही की व आओहा रब्बू काला नहल मूसा आसमाम की माँ की तरफ भी वही की यह वही एक अलग कैटेगरी की है और नबियों की तरफ जो वही आती हैं वो एक अलग कैटेगरी की है दोनों कैटेगरीज हमारे पास हैं और एक जो है वो असलाही मफह है और एक लगत का मफहम है वही के जरिए से जो कंटेंट हमारी तरफ़ भेजा जाता है वो विजडम है और वही के लिए लफ़ अता भी इस्तेमाल हुआ है वह आताइना दाऊद ज़बूरा, हमने ज़बूर अता किया दाऊद को ये सब असिलाहत इस्तेमाल होते हैं और वही के जो जराए हैं उनमें से हम आगे बात करेंगे कि रेवलेशन है और ड्रीम्स हैं ये भी कभी वही की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं ख़वान व हजरात वही को अगर हम समझते हैं तो फिर पूरे कुरान को समझने में आसानी होती है और इसके लिए जो अलग अलग इस्तेलाहात इस्तेमाल की गई हैं और जिस मोड्स के ज़रिए ताला ने वही किए आइए उस पर एक निगाह डालते हैं नंबर एक ये है कि थ्रू द एजेंसी ऑफ़ एन एंजल एक रसूल को भेजता है एक पैगाम्बर को भेजता है एक फरिश्ते को भेजता है और नबी करीम अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल कुरान लेकर आते थे जब जैसी ज़रूरत होती थी वैसे आप आते और अल्लाह ताला का कलाम पहुंचाते थे एक तरीक़ा ये है वही पहुंचाने का दूसरा तरीक़ा ये है कि वर्ड्स दिल के अंदर अलका कर दिया जाए अल्फाज डाल दिए जाएँ ख्यालात नहीं कुरान अल्फाज के साथ नाजिल हुआ है और अल्फाज के साथ महफूज हैं तो अल्लाह ताला दिलों में अल्फाज का इका करता है और वर्ड्स महफूज कर देता है ला तो हर बही लिसान कलता जल इ व कुरआना फैदा खरा हूँ फी ثم सुम इन्ना आलैन बयाना जब इसका इल्का हो रहा हो जब वही हो रही हो अल्फाज सुनाई दे रहे हो, तो अल्फाज को याद करने के लिए आप जल्दी ना कीजिए जब अल्फाज सुनाए जा रहे हो, तो आप सुनिए उसके बाद उसे महफूज करना भी हमारा काम है उन अल्फाज के माना व मतलब को बयान करना भी हमारी जिम्मेदारी है हम उसे बताएंगे उसके बाद नंबर तीन स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड अ वेल पर्दे के ओट से अल्लाह ताला बात करता है और कुरान में उसका ज़िक्र हजरत मूसा सलाम के हवाले से आया है नबी करीम अलैहि वसल्लम के बारे में भी कहा जाता है कुरान में उसका रास्त जिक्र नहीं है मेराज पर जब आप तशरीफ़ ले गए थे तो अल्लाह ताला आपसे हम कलाम हुआ और वही पर्दे के पीछे से अल्लाह ताला कलाम करता है नंबर चार थ्रू ट्रू ड्रीम्स नबी करीम वसल्लम के अल्लाह ताला ने बहुत से ख्वाब दिखाए हजरत इब्राहिम को भी ख्वाब दिखाए ख्वाब वही का हिस्सा होता है अम्बिया के लिए और थ्रू इंस्परेशन यानी इल्हाम इंट्यूशन क्लियर आइडिया इसमें अल्फाज नहीं इसमें आइडिया होते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम को क्या करना चाहिए ये बातें जो कुरान में नहीं हैं लेकिन बहुत सी बातें अल्लाह ताला ने आपके दिल में अल्खा की आपको आइडिया दिया आपको क्लैरिटी दी आपको शर सदर मिला उसके मुताबिक आपने बहुत से इकदाम किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा जब्राइल मेरे सामने इंसान की शक्ल में आते थे और आकर सवाल करते थे या वही करते थे और आखिरी शक्ल ये है कि बाज़ मरतबा जब्राइल प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए आए वजू कैसे किया जाता है डेमोस्ट्रेट करके दिखाया नमाज कैसे पढ़ी जाती है डेमोस्ट्रेट करके दिखाया तो वही के ये सात तरीक़े ही मोड्स ऑफ वही जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला रसूलों को नबियों को अपना पैगाम पहुंचाता है अब हम अपने इस लेक्चर के आखिरी हिस्से में आ रहे हैं और बताना चाहेंगे ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए कि वहीं को समझने में उन्हें कभी दिक्कत होती है लोग कभी सवाल करते हैं और आज की दुनिया जहां हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं वहां नॉलेज सेंस परसेप्शन से बाहर कोई चीज़ नहीं है पांचों सेंसेस से आप जो देख सकें सुन सकें फील कर सकें और इन्फॉर्मेशन जो पांच सेंसेस से है उनके जरिए से ले सकें वही इंफॉर्मेशन है वही नॉलेज है उससे बाहर किसी नॉलेज का तस्वुर नहीं किया जाता यह एक नॉन साइंटिफिक एटीट्यूड है तलाबा को मालूम होना चाहिए इंसान को अल्लाह ताला ने जो आंखें दी हैं उसकी एक हद है उससे आगे वो आंख काम नहीं करती अब इंसान ने आलात ईजाद कर लिए और सैटेलाइट के ज़रिए से इमेजिंग कर ली जाती है हम इस दीवार के पीछे की चीज़ नहीं देख सकते लेकिन हम अपना कंप्यूटर खोलेंगे तो इस दीवार के पीछे की चीज़ देख सकते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये भी हम देख सकते हैं सीसीटीवी के ज़रिए से पूरे इस इलाके को देख सकते हैं तो इंसान के जो सेंसर्स से हैं उसके लिमिटेशन हैं इंसान एक पर्टिकुलर आवाज़ के डिसाइबल से ज़्यादा आवाज़ को सुन नहीं सकता हीट और टेम्परेचर में एक पर्टिकुलर लिमिट से आगे को हाथ नहीं लगा सकता जब इंसान का मामला यह है कि उसके सेंसेस के लिमिटेशन हैं तो ये कैसे कह सकता है कि इससे जो कुछ मैंने पाया वही इल्म है इसके बाहर इल्म नहीं है इससे बाहर भी इल्म है और आज मशीन्स के जरिए से साइंस के जरिए से हम इस बात को मानते हैं कि जो कुछ हम देखते और सुनते हैं वही काफ़ी नहीं है उससे बाहर इल्म की एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है अब आप इस स्लाइड में देखिए वी हैव लिमिटेड सेंस परसेप्शन नाउ वी कैन रिकॉर्ड अब हम यह कर सकते हैं कि जो कॉस्मिक रेस आसमान से आती हैं उनमें जो टकराव होता है उस आवाज को सुन सकते हैं कोई मक्खी किलोमीटर दूर हो अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मौजूद हैं उसके जरिए से वो जो वहां चल रही है ऐसा लगेगा कि हमारे कान के पर्दों पर चल रही है और रेंग रही है रेस के टकराने को आप सुन सकते हैं ये साइंस के ज़रिए से इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से आज मालूम होने लगा है इसी तरह से कुत्ता उसको अल्लाह ताला ने जो सूंघने की सलाहियत है वो बेशुमार दी है हमसे कई गुना ज़्यादा उसके पास जिस मोहल्ले में आप रहते हो उस मोहल्ले में जितने इंसान आते हैं सबको वो सूँग कर पहचानता है और जब अजनबी आता है तो वो कुत्ते भोंगने लगते हैं और उस मोहल्ले का आदमी आता है तो खामोश रहते हैं चोर को पकड़ने के लिए जो स्कॉट डाग का इस्तेमाल होता है वो डॉग करता क्या है आप पहले जहाँ चोरी हुई वहाँ उसे ले जाएं, ताले को सूंघा दें या उस इलाके को सूंघा दें फिर उसके बाद आप ले जाइए हज़ारों लोगों के बीच में एग्जैक्टली उस आदमी को पकड़ता है जिसने चोरी की है सेंस परसेप्शन यानी हमारे सेंस परसेप्शन से ज़्यादा सेंस परसेप्शन मशीनों को भी आज हमने जो इजाद किया और जानवरों के पास भी सेंस परसेप्शन हमसे ज़्यादा मौजूद है टेलीपैथी ऑफ मौत यानी ये जो कीड़ा है जो उसे आप अपनी खिड़की के पास लगा दीजिए और वो इशारा करता है अपने मादा को बुलाता है पैगाम देता है और वो मादा सुनती है उसको रेस्पॉन्ड करती है और इसी तरह से ये जो झेंगरा जिसे कहते हैं ये रात में सन्नाटे में अपने दो परों को या अपने पैरों को रगड़ता है और मैसेज पहुंचाता है अपने मादा को जो आधा एक किलोमीटर दूर होती है और जब ये रगड़ता है तो कम से कम 600 टन हवा को मूव करा देता है पैगाम पहुंचाता है वहाँ वो खामोशी से जवाब देती है आवाज़ नहीं निकालती जब वो मैसेज देती है तो ये मैसेज पिक करता है और एग्जैक्टली उससे मुलाकात के लिए उसी जगह जाता है जहां वो बैठी हुई है ये सब आज दुनिया ने फाइंड आउट किया तो वही की कैफियत को समझना ये हमारे बस की बात नहीं है अल्लाह ताला अपने बंदों से जैसे कलाम करता है रसूलों से नबियों से बहुत ही आला अरफा चीज़ है लेकिन यह है कि इस दुनिया में भी ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं था लेकिन आज हमें मालूम होने लगा जो टिड्डा होता है उसके सुनने की ज़बरदस्त सलाहियत है बहुत हल्की सी आवाज को भी वो पिकअप कर सकता है और इसी तरह से क्लेर वायंस कहते हैं एक आदमी यहां है एक आदमी कहीं और शहर में है मेरे दिल में एक बात आती है मैं कम्युनिकेट करता हूं वो बात उस तक पहुंच जाती है आज साइकोलॉजी की जुबान में से क्लैर वॉयस कहते हैं पैगाम पहुंचा देते हैं कई मरतबा हम लोगों को होता है कि हम किसी के बारे में सोच रहे होते उधर से कॉल आ जाता है हम कहते हैं कि भाई मैं आज कॉल करने ही वाला था वो कहते हैं कि हां मैं भी सोच रहा था मैंने कॉल कर लिया यानी कुछ कम्युनिकेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें बीच में इंस्ट्रूमेंट नहीं होते इसी तरह से हिप्नोटिज्म ये भी एक साइंस है साइकोलॉजी का एक हिस्सा है कि किसी कि 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 को रुलाया जा सकता है किसी कि कि को हंसाया जा सकता है किसी कि कि को इलाज में सेल्फ सजेशंस कराए जा सकते हैं कि तुम अच्छे हो तुम सेहतमंद हो तुम अक्लमंद हो ये सब आज कम्युनिकेशन के ज़राए हैं जो आम सेंसस से आगे की चीज़ें हैं इसलिए मैंने ये बताया है, ये सारी बातें मजहब जदीद चैलेंज नाम की एक किताब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की है जो हमने बहुत ही कम उम्र में पढ़ी थी उसमें इस तरह की बेशुमार मिसालें आपको मिल जाएंगी दिलचस्प मिसालें मालूम होता है कि वही और रिसालत गो के हम उसकी कैफियत और माहियत को आई नहीं जैसा कुछ वो है पा नहीं सकते लेकिन उससे करीब तरीन बाज मिसालों से हम समझ सकते हैं कि हमारे सेंस परसेप्शन में आना ही लाजिम नहीं है उससे बाहर की दुनिया में भी इंफॉर्मेशन बहुत कुछ मौजूद है और दुनिया में कम्युनिकेशन होता है इन सब के जरिए से जो हम पहले नहीं जानते थे खातिन तो हजरात अब आते हैं एक्टिविटी पर एक्टिविटी नंबर एक ये है कि वॉट इज योर रिएक्शन ऑन ए गर्ल वे बींग बॉर्न आपके घर में एक लड़की पैदा हुई तो उस पर आपका क्या रिएक्शन रहा आपके मन में क्या बातें आई हमें बताता है कि कुफ़ार मुशरकिन का रवैया नाखुशी का था आपका क्या रवैया था नंबर दो आर यू एसोसिएटेड विद एकामत दीन एक्टिविटीज़ तमाम रसूलों के बारे में अल्लाह तबरक तारा ने फरमाया कि दुनिया की तमीर इलाही हिदयात के मुताबिक करने के लिए वो आए थे क्या आप भी इकामत दीन की सरगर्मियों से कहीं ना कहीं वाबस्ता हैं नंबर तीन हैव यू एवर फेल्ट क्लेयर वॉन्स यानी कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ है कि आपने एक बात कही और वो बात दूसरों तक पहुंच गई इंस्ट्रूमेंट के बगैर आपने किसी के बारे में दुआ की आपने किसी के बारे में अच्छा ख्याल किया और वो ख्याल वहाँ पहुँच गया तो कभी ऐसा होता है तो क्या आपने कभी फ़ील किया खुवात हज़रा हम इस लेक्चर के अख्ताम पर आते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वही के सिलसिले में जो मालूम कुरान और सुन्नत में मिलती हैं उसे समझने की तोफ़ी अतः फ़रमाएँ और कुरान को कमा हक़ समझने की तोफ़ी अतः फ़रमाएँ आमीन व आखिर दावाना अनिलहमदिल्लाबीआलम